हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहाँ के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। बस से निकला वो भाग गए। ये यात्रा राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा असम की जनता की आवाज की यात्रा है। यहां से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने फाड़ लो, जितने हमारे प्लैकार्ड्स फाड़ने फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहां के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। असम में क्या हो रहा है आप जानते हो। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर कौन है, क्या नाम है उसका? तो पूरा देश जानता है, पूरा असम जानता है कि आपके चीफ मिनिस्टर और उनका पूरा परिवार सबसे भ्रष्ट लोग हैं। अब ये सोचते हैं कि लोगों को डराकर, धमकाकर उनको दबा देंगे, जैसे यात्रा में कभी हमारा परमिशन कार्ड देते हैं, कभी लोगों को आने नहीं देते हैं, कभी हमारे झंडे जला देते हैं, हमारी होर्डिंग्स गिरा देते हैं। मगर इनको बात समझ नहीं आ रही है, ये यात्रा राहुल गांधी की यात्रा नहीं है, ये यात्रा असम की जनता की आवाज की यात्रा है। और वो जो भी करना चाहे कर सकते हैं, ना राहुल गांधी ना असम की जनता आपके चीफ मिनिस्टर से डरते हैं।